पापा, सडन डेथ क्या होती है? सडन डेथ बेटा ऐसी डेथ को कहते हैं जो किसी भी पेशेंट को इस सूरत में हो कि उसको सिम्टम स्टार्ट हुए और उसके विद इन 1 आवर उसकी डेथ हो जाए और उन सिम्टम से पहले वो आदमी बिल्कुल ठीक हो। तो एक नॉर्मल आदमी में विद इन 1 आवर ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम किसी को डेथ वाकई हो जाए। क्यों पूछ रही हो तुम ये? एक्चुअली मैंने न्यूज़ पर देखा एक यंग इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट की सडन डेथ हो गई थी। हाँ ये मैंने भी, मुझे कुछ लोगों ने इस बारे में मैसेजेस किए हैं कि एक 41 ईयर इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने 16,000 सर्जरीज की हुई थी उनकी अचानक डेथ हो गई। अच्छा इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि अक्सर मैसेजेस यही थे कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों हो गया। वो सब चीज़ें नॉर्मल करते थे, ना सिगरेट पीते थे, रेगुलर एक्सरसाइज और सारी चीज़ें, उसके बावजूद डेथ क्यों हो गई? देखिए दिल के मर्ज का आना ये ज़रूरी नहीं है कि आप में रिस्क फैक्टर हो तभी आएंगे। ये बग़ैर रिस्क फैक्टर के भी और उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिसमें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर हो। अच्छा अब इसका पता कैसे चले वक्त से पहले? तो उस सूरत में सिर्फ ये तरीक़ेकार है क्योंकि ये सडन डेथ की वजह ज़्यादातर देखी गई है दिल की दो तरह की बीमारियाँ हैं। एक तो वो वाली हैं कि दिल की नालियों में तंगियाँ हैं लेकिन वो बहुत ही हल्के दर्जे की तंगियाँ हैं और ये तहकीक से साबित है। ऑटोप्सीज हुई हैं, उनसे पता चला कि जिन यंग लोगों में ये डेथ्स हुई तो वजह क्या निकली। एक वजह तो दिल की नालियों की तंगी की बीमारी, लेकिन इतने हल्के दर्जे में वो प्लैग थे कि उन्होंने अभी तक इनको अलामतें नहीं की थी, लेकिन अलामत एक ही बार जाहिर हुई हार्ट अटैक के साथ और मौत वाकई हो गई। तो इस सूरत में तो हर इंसान को अपने अंदर वो रिस्क फैक्टर तलाश करने चाहिए जो नालियों में तंगी का बाइस बनते हैं, जिसमें प्राइम फैमिली हिस्ट्री है। अगर फैमिली हिस्ट्री आपके यहाँ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपना ख्याल रखना। उससे हटके शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट स्मोकिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी और ओबेसिटी यानी मोटापा, ये चीज़ें हैं तो बहुत ख्याल रखें कि इनको काबू करना है। ये आप काबू रखेंगे यंग एज से तो वो जो प्लैक आपकी नालियों में हैं उनसे अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी वजह दिल की दीवारों का मोटा होना, उसको हम हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इन लोगों को पिक करने के लिए ज़रूरी होता है कि जिन फैमिलीज में सडन डेथ हुई हैं लेकिन उनके अंदर दिल की नालियों की तंगी के मसाइल नहीं हैं तो उनमें बाकी फैमिली मेम्बर्स के एको ज़रूर होने चाहिए और कुछ जेनेटिक टेस्टिंग है वो करके आइडिया हो जाता है कि आपकी फैमिली में ये दिल के मोटे होने वाले मसाइल हैं या नहीं है। तो और एक इस स्टोरी से मैं एक एडिशनल बात करना चाहूँगा कि वो 41 ईयर कार्डियोलॉजिस्ट हैं लेकिन 16,000 सर्जरियाँ, 14 घंटे वो काम करते थे। हम अपनी जवानी में या पीक दौर में इतना ज़्यादा अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हम स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रह रहे होते हैं उस काम की वजह से। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी पीक लाइफ में बड़े, यानी बहुत से लोगों का कॉल है कि आपके फर्स्ट 40-45 ईयर्स ये डिसाइड करते हैं कि आपके अगली ज़िंदगी के साल कैसे गुजरेंगे। यानी अपनी ज़िंदगी को ठहराव देना होता है, काम भी करना है, इंजॉय भी करना है, सोशलाइजेशन भी है, नींद पूरी हो और किस्म की एक्टिविटी हो, तो एक मिक्स पैकेज ज़िंदगी का होना चाहिए। सिर्फ काम 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 बस काम में लगे रहना ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस रिलेशन में कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस सूरत में बन जाती है। तो ज़िंदगी में और चीज़ें भी शामिल करें, सिर्फ एक लगन में बस सिर्फ काम किए जा रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। इन कंक्लूजन 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि लाइफ को डिसिप्लिन करना है, तमाम रिस्क फैक्टर्स जो दिल के मर्ज का बाइस बनते हैं उनको काबू करना है और अगर इन चीज़ों के बावजूद भी आपकी फैमिली में सडन डेथ हुई है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स के एको करके ये आइडिया कर लें कि वो दिल के मोटे होने वाले मसाइल हैं या नहीं हैं। शुक्रिया बहुत बहुत सुनने का।